वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहता है ना? प्रभास की सलार क्या बाहुबली से बड़ी फिल्म है और इस फिल्म का केजीएफ से क्या संबंध है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। बाहुबली फेम प्रभास के पास इन दिनों कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक और जोड़ लीजिए। अब साउथ की सुपरहिट फिल्म केजीएफ के मेकर्स ने भी प्रभास के साथ एक धांसू फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। इस फिल्म का नाम होगा सलार, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें वो खूंखार अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर का बैकग्राउंड ग्रे है। प्रभास इस पोस्टर में गन थामे हुए इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने लुक को शेयर करते हुए लिखा, सलार में प्रभास द मोस्ट वायलेंट मैन, जिसे वन मैन भी कहा जाता है। केजीएफ के मेकर्स ने 2 दिसंबर को 2:09 पर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की घोषणा की थी और अब 15 जनवरी से इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसी के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये कयास लगने लगा था कि डायरेक्टर प्रशांत नील इस फिल्म में बाहुबली फेम प्रभास के साथ काम कर सकते। फिल्म को किसी भाषाई सीमा से नहीं बांधा गया है। पोस्टर में इसे इंडियन फिल्म बताया गया है। सलार को लेकर अभी कोई दूसरी डिटेल सामने नहीं आई। इससे पहले प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म केजीएफ सुपरहिट फिल्म रही, जिसमें यश ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का सिक्वल केजीएफ चैप्टर 2 भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसमें संजय दत्त और रवीना टंडन भी नजर आएंगे। केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ भाषा के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषाओं में भी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग हैदराबाद में कंप्लीट हो चुकी। इस साल 2021 में फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रभास की बात करें तो प्रभास की फिल्म आदि पुरुष में उनके साथ सैफ अली खान और सनी सिंह नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास इस फिल्म में भगवान राम के रोल में दिखाई देंगे। मुंबई मिरर के मुताबिक सीता का किरदार एक्ट्रेस कीर्ति सैनन को दिया गया है। इसके अलावा प्रभास पूजा हेगड़े के साथ राधेश्याम में भी दिखाई देंगे। साथ ही उनकी 21वीं फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ वो नजर आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कहा जा रहा है कि सलार जो है बाहुबली 2 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 2,000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है। तुम्हारे पास अभी 1 मिनट का वक्त है, मार दो मुझे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा।